हेलो एवरीवन, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए जीके जीएस के प्रश्न। तो चलिए पहला प्रश्न लेते हैं, विंडोज 10 को किस वर्ष लॉन्च किया गया? 2011, 2014, 2015, 2021। तो इसका जो सही आंसर है वो है 2015। 15 जुलाई 2015 को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसको लॉन्च किया था। चलिए दूसरा प्रश्न लेते हैं, राष्ट्रकवि के नाम से किसे जाना जाता है? कालिदास, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रकवि हैं। 3 अगस्त 1886 में इनका जन्म हुआ और 12 दिसंबर 1964 में इनका निधन हुआ। हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं और खड़ी बोली के ये प्रथम महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। इनकी जो कृति है भारत भारती, 1912 में जो प्रकाशित हुई भारत भारती है, बहुत ही प्रसिद्ध इनकी रचना है। स्वतंत्रता संग्राम के समय काफ़ी प्रभावित हुई है भारत भारती और इसी कारण महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की पदवी दी। तो राष्ट्र कवि की पदवी उन्हें महात्मा गांधी जी ने दी थी, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न लेते हैं, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया? 1 अप्रैल 1973, 21 अप्रैल 1973, 21 जुलाई 1973, 21 दिसंबर 1973। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1 अप्रैल 1973। बाघों की घटती आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए यह योजना शुरू की गई थी और शुरू में 9 बाघ अभयारण्य इसमें शामिल थे। कितने? 9 बाघ अभयारण्य। अगला प्रश्न लेते हैं, किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? नीदरलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बेल्जियम। इसको कॉकपिट क्यों कहते हैं? बेल्जियम की धरती पर लड़ने वाली कई सेनाओं के कारण इसे यूरोप का युद्ध क्षेत्र या यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था? मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में, हैदराबाद में? तो इसका जो सही उत्तर है वो है दिल्ली में। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम अधिवेशन हुआ था और वह दिल्ली में हुआ था, जो कि अभी संसद भवन है, सेंट्रल हॉल, उसमें। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न। अब एक प्रश्न लेते हैं, आपके लिए है ये प्रश्न। अगर आप हमारे वीडियोस कंटिन्यू देख रहे हैं तो इसका उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। तो आपके लिए आज का प्रश्न है, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? यह आपको बताना है। नेक्स्ट वीडियो आने तक कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दे सकते हैं। बने रहिए इसी तरह हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।